देखो एफआई में कुछ प्रॉब्लम है, जो पहले पेट्रोल आता था ना, मतलब एडवांस लेवल का पेट्रोल जाता था, अब जो आता है ना तो मतलब स्प्रे टाइप का पेट्रोल जाता है, इसलिए बाइक 3 साल से ज़्यादा इंजन टिक नहीं पाता इसमें। सो गाइस, आज अपाची 160 जो BS6 2023 मॉडल, क्या क्या फीचर्स है अब मैं बताऊंगा आज। तो पहले ब्लैक एंड रेड में जो बाइक आता है, मैं 100/10 का टायर, और फ्रंट में है कितने का टायर, फ्रंट में 90/9 का टायर आता है फ्रंट में। तो फ्रंट का लुक पहले देख सकते हो, BS4 में जैसा गाड़ी आता था ना उससे बेहतर गाड़ी है BS6। तो BS4 में जो जो नहीं आता था और इसमें थोड़ा एडवांस कर दिया है। तो इसका पीछे का लुक देखो, पीछे का लुक जैसा था वैसा ही है, जैसा था पहले जैसा था वैसा ही है भी बोलो। सो गाइस, एक और बेहतर चीज़ जो अपडेट किया है ये TVS वालों ने, ये इंडिकेटर चेंज कर दिया। पहले जो इंडिकेटर आता था वो थोड़ा गोल टाइप का आता था, अब ये इंडिकेटर थोड़ा चेंज कर दिया और एक जो फीचर्स ऐड कर दिया है। और इंजिन 160 का इंजन है, विच FI RT FI AC ट्यूनेड। तो FI जो पहले जो तेल स्विच ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन था वो हटा दिया है, FI डाल दिया है इसमें। देखो FI में कुछ प्रॉब्लम है, जो पहले पेट्रोल आता था ना, मतलब एडवांस लेवल का पेट्रोल जाता था, अब जो आता है ना तो मतलब स्प्रे टाइप का पेट्रोल जाता है, इसलिए बाइक 3 साल से ज़्यादा इंजन टिक नहीं पाता इसमें, तो इंजन में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो मेरा R15 के साथ जो जैसे हुआ मैं आप लोगों के साथ वैसे ही बोल रहा हूँ, इसके साथ भी ऐसा ही होगा आई थिंक। आप लोग जितना भी मतलब केयर करो बाइक का, FI में ऐसे ही प्रॉब्लम आता है जो सच पहले बता दो। और BS4 में जो डिजिटल मीटर नहीं आता था, अब TVS की तरह से डिजिटल मीटर कर दिया देखो। तो इधर न्यूट्रल का स्विच और इधर इंजन चेक लाइट, इधर ABS, इधर इंडिकेटर और इधर हेडलाइट का जो चीन आता है वो, और इधर है फ्यूल इंडिकेटर, मतलब फ्यूल नहीं है तो दिखाएगा, और इधर इंजन चेक लाइट और ABS और कितना टाइम आता है इधर दिखाता है टाइम, और इधर 3 मूड जो बेहतर चीज़ मैं बोल सकता हूँ इसको। तो इधर 3 मूड कर दिया, एक है अर्बन देख सकते हो, अर्बन नहीं पहले आता है रेन, अरे यार पहले आता है रेन, उसके बाद अर्बन, उसके बाद स्पोर्ट, और कितना चला हुआ है देख सकते हो, 268 किलोमीटर चल चुका है बाइक, 3 दिन में चला लिया, और 12,000 RPM आता है इसमें। तो इधर से मूड सिलेक्ट कर सकते हो, मूड आई थिंक जो अर्बन रेन है, रेन में थोड़ा कम, अब मूड के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। और मिरर विजिबिलिटी पहले से ज़्यादा बेहतर कर दिया इन लोगों ने। तो सो एक और चीज़ जो एक कंफर्टेबल का बात आता है, तो कंफर्टेबल है बाइक है, 3 जन 4 जन बैठो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और जो मतलब राइड करोगे 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जाओगे तो शोल्डर में पेन होगा, मतलब स्ट्रीट में चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाइक आराम से चल जाएगा एकदम मस्त मक्खन की तरह। तो का साउंड कैसा है, इधर किल स्विच है, इधर एग्जॉस्ट का साउंड सुन लिया, मिरर विजिबिलिटी सही है। इस साइड से भी बाइक दिखा देता हूँ एक बार, जो पहले जो स्टिकर जैसा आता है वैसे ही आता था, अपाची BS4 में जो इधर स्टिकर आता था वो रेड में, बाइक एकदम शानदार लग रहा है 20,000। और इसका प्राइस कितना, इसका प्राइस है 1.5 लाख, हमारे इधर जो बर्धमान कांला इधर का जो प्राइस मैं बता रहा हूँ ऑन रोड 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख पूरा 1.5 लाख कैश, और जो EMI ये सब आप लोग उधर जाके बात कर सकते हो कि कितना पड़ेगा। तो बाइक तो एकदम शानदार लग रहा है, बोल सकते हो आप लोग बाई कर सकते हो बाइक, और जो जो मतलब ये बेहतर चीज़ है, 1.5 लाख में और क्या मिलेगा यार। इससे एक से फुल डिटेल रिव्यू, तो आप लोगों का ही चॉइस है, जो अपाची लवर है आप लोगों का ही चॉइस है कि बाइक ले आप लोगों के नहीं। तो मेरे तरफ से जो राय है, आप ले सकते हो बाइक 160 में अपाची 1.5 लाख के प्राइस में, मनी वर्थ है। ऐसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो को, और किस तरह का वीडियो चाहिए, और कौन सा अपाची 160 या R15 में कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।